नमस्ते जी सारे जो एक बार फिर स्वागत है तुम सारे ना हंसते पता नहीं मैं हंसते पता कि लग रही एक मिनट दसती मैं की लग रही हंसती तो हंसती तेरे घट लग रही भी फोन पाई गिरा था थाले कने जब चक्या था मने मने भी सोचती भी बज गया हूँगा पर आई नहीं बज रहा था फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कने शाम के बज रहे हैं 6:30 होने वाले अभी ऑफिस आते आते एक तो मैं पार्लर गई थी वहाँ से मैंने लाए कुछ नेल्स लगाने के लिए और क्या क्या और कुछ नहीं किया अभी मैं जा रही हूँ घर सब्जी लेनी थी वहाँ पर माल लेनी आई क्योंकि सब्जी लेने के लिए हमें दूसरी वाली साइड को जाना पड़ेगा जहाँ पे हम नहीं जाना चाहते क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक होता है और मैं शॉर्टकट लेती हूँ सीधा ही और सीधा घर में सो पल्लू को बोल दूँगी वो ले आएगी आज की सब्जी एंड और क्या कुछ खास कुछ नहीं चल रहा है सब अच्छा है अच्छा दिन था आज बाकी चलते हैं घर सो नीचे लाइट नहीं थी करना नहीं रही मुझे किच लग रहा था सोचता मैं आ गई लेंटर पे साथ में मैंने खाने के लिए लाया था चांप मलाई चांप एक करनी मंदिर कने बस फेरी तभी तक पल्लू भी आई जाना आज मैं ऑफिस से ही लेट आई थी सो मिलती हूँ आपसे जब पल्लू आते हैं बढ़ गई फोन में। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी बहन आ गई और आते फोन में घुस चुकी है और पता नहीं क्या देख रही है कंगना राणा सब्जी लाई क्या लाई सब्जी मैंने बताया मैं दूसरी साइड से आती हूं दूसरी साइड से तीसरी साइड से आ जाएं कर चल चल उठ जल्दी उठ पंखा बढ़ाई थी आंधी है कने आज गाइस मैं लेके आई हूं नेल्स दिखाते हूँ आपको कैसे लेके आई आज मेरा बैग क्यों खोला तूने सिंपल ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे तू क्यों लगाना क्योंकि मुझे इसके ऊपर नेल पेंट लगाना था मेरे को मिल नहीं रही थी अच्छी शेप यही मिली मुस्कुराने की कने ये एक लाया मैंने आलू पिलर कैसा कलर लाया ये टूट गया था मेरा कने एक एक कलर लाया मैंने मेरे को बड़ा अच्छा लगा लाइट लाइट सा मैंने लगाया भी बिंदु यहाँ एक मैंने लाई ट्रांसपेरेंट ये लिप ग्लॉस क्योंकि खरा रहेगा तो ये हल्का सा पिंक शेड देगा बाकी ट्रांसपेरेंट है पैकिंग बड़े अच्छे लगे मुझे उसकी क्यूट जो एड़ा ना चिपका मत दे आई खराब मत कर दिखा कैसा लग रहा है ऐसे दिखा एक नील बहुत प्यारा लग रहा है इन पे ऐसा होता है कि बाद में वो कर सकते हैं फिर नेल पेंट लगा के कोई भी डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो सो अभी हम निकल चुके हैं थैला लेके सब्जी गल सुन देख थैला कड़ा रखे हम निकल चुके सब्जी लेने थैला लेके सो रात के बज रहे हैं 9 और उसके बाद हम लोग मूवी देखने लग गए थे फिर लेट हो गए सब्जी लाने के लिए उधर से लेनी हमने सब्जी सब्जी पेट 260 रुपए किलो आ पर मैं अलग ही सब्जी बनने वाले नहीं जूस बनना हूं पता नहीं किड़ा जूस बनदा इसका भाई ये कितने का है बड़ा कम है सब्जी ले ली अभी हम लेंगे नारियल देवता जी थके आंदे कई बारी ना चाहंदे हो फिर काम करना ही पैंदा क्या कर ली भाई हैं ज्यादा ठिणकना होया करा है? क्या गल के ही किसकी मुंगड़ी है चल आ जा रोटी दिन में आ जा भाई जल्दी पहुंच गए हम लोग घर नहीं आना झूठा प्यार है जानू तू आ गलत हन जल्दी आओ जानू आ हम भी चलूं है पाई तो हेडफोन करना जो नारियल ले दो एक पीते उठी है कने जेड़ा दूजा घर ले आना तो ब्याह का पीना तो थी चढ़ी आई होती और भी पोना जाना उड़ गई भी तो मां भी क्या करना हेलो जी वेलकम बैक
तो हुआ यूँ कि हमने नारियल लिया और मैं नारियल पी के एक नारियल दूसरा सुबह कर ही लिया था, उसको वहीं पे भूल गई। तो घर आए एंड देन उसके बाद फिर से मैं वहाँ पे गई शॉप पे और फिर वो नारियल लाया और दीदी ने तब तक खाना बना दिया। दीदी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सारे के सूजियां ने मुई अखियां करने मुई 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 वो। चलो आप थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है। मेरा ऑफिसर फोन अंदर होगा। सॉरी। सो अभी हमने क्या किया, सब्जी पकाई बनाई मैंने और उसके बाद वही चादर जड़ी काल बदली थी धोई रही थी आई सी आज। अभी हमारा कूलर भर रहा है महाराज, उसके बाद खाएंगे हम खाना फिर सोएंगे। रात के आए थे 10 बज रहे हैं। क्या लग रही कर दी? अरे मेरा दूजा फोन नहीं मिलया करता थी। आले कपड़े ढेर पर धोने नहीं दो ही रहे वो सब सब्जी पकी बस पता पा बोले थोड़ा जहा धनिया काटना पाना ले जो सब्जी पक गई हमारी और दोरी करे पाक्या पकाया थोड़ा पानी वाले बनाए हमने क्योंकि हमने चावल के साथ खानी ज़्यादा भूख नहीं थी पर फिर भी पाई लिया सहता जो गिलास भी बैगा भूख लगे ने मिजो आई ये तो सलादा इन देते रहो गेड़ा खाने हो। सो अभी मैं देखूंगी गंगूबाई आधी देख ले रही मैं आधी रही देख रहा पहले बस ये देखनी मैंने नेल्स लगा दिए पर एक प्रॉब्लम हो गया। मैं बताती हूँ क्या, ये मैंने लगा तो लिए सुंदर भी बहुत लग रहे हैं पर प्रॉब्लम ये हो गया कि ये वाला जो है ना थोड़ा बड़ा हो गया लास्ट ये वाला हल्का सा इतना पता लग नहीं रहा है वैसे तो ये बच के मैंने अपनी बहन को बोला लगा ले बहन लगा नहीं रही क्यों नहीं लगा रही साइज बड़े हैं ये हाँ ये पता नहीं क्यों हो गया ऐसा वैसे तो पूरे फिक्स साइज के आते थे पर अच्छे लग रहे हैं नॉट बैड फुकरी मार लूँ अपने नील्स के साथ अब ऐसे ऐसे करूँगी मैं कल से मेरी बहन मेरी बहन ने खाना नहीं खाया बंद करो दो गप मारनी आपके साथ नॉट इंटरेस्टेड टू मारिंग गप विद यू आई एम नॉट गॉसिप गर्ल लाइक यू चुगलियाँ आओ बहन चुगलियाँ आओ बहन थोड़ी चुगली करते हैं सोशल मीडिया की करनी पड़ेगी तुम्हें आई तू क्या सोचे तू बड़ी स्लिम ट्रिमी चलो मैं गाना सुनाती हूँ गाइस सुनाओ गाना पुराना गाना सुनाओ चलावा चबावा च ओनो फिर चलना बच का चलना नहीं आई मेरे बेलिया एक मिनट में जा अपने नाखून दस ना दे तू चल गा गाना चल मैं नौवा पर कोई गाना गा अरे गाड़ी पुराना जो गाना सुन तो कोई जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो मेरा ता तड़ता पहाड़ी गाना गा मुझे लगे तो तेरी गल कर दी मुझे पहाड़ी नहीं आती मुझे हिंदी आती है नहीं मुझे एक्चुअली मुझे ना हिमाचली नहीं आती मुझे ना किन्नौरी आती है मुझे अपर की आती है मुझे हिमाचली नहीं नीचे वाली नहीं आती वो बुरे हाल है वही खाना मैंने खा लिया पल्लू कर रही प्रेस सुबह के लिए और अब मेरा कुछ करने का मन नहीं है चुपचाप ही सही है ना मैं मूवी देख रही हूँ मैं एक देखेंगे यार सो जाएंगे गुड नाइट भाई लोगों मिलते हैं आपसे सुबह। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सो सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने उठ के सिर्फ क्या किया स्नानम किया और अभी देखती हूँ किचन में क्या है
ब्रेकफास्ट बनाना है। शाम को मैंने नेल्स निकाल लिए थे क्योंकि मैं भांडे धोने लगी थी ना, कितनी बज्जी मिंजो करना मेरे गुस्सा में सारे कट दिए करने में सारे कट दिए। वही गर्मी इतनी हो गई ना, मैं क्या बताऊँ, बुरे हाल। सो पल्लू जा चुके ऑफिस, कने मैं भी जाना, पर मैं ज़रा आज बोल तो मुझे सर्वाइकल पे ना बंदा क्या करो, सौदा तो चुरोग होंगे। किचन में चलते हैं, बड़बा धूपा। अरे राती कपड़े धोए थे सब पीछे सटे, यो समझा आई के करने पड़े सारे सीधे। लंच तो हमारा रेडी है क्योंकि शाम को मैंने सब्जी बनाई दी थी, बनाना है सिर्फ ब्रेकफास्ट। सो मैंने बना ली सैंडविच, दो बनाए मैंने, भूख ज्यादा थी मिंजू कहने एक और गप हो गई मेरी दो घाटिया इस तो दो पता नहीं क्या हुआ रही नहीं मेरे मिंजू ही नहीं समझ आता डेली है। राती फिर जलाए रहा हूँ आड़ा नहीं होता बाहर कट रहा हूँ समझ नहीं आता मिंजू भी गर्मी इतनी बड़ी गिरी भी फ्रिज भी नहीं काम करता क्या फायदा होया वेस्ट। सब्जियां खाई खाई के ना दुखी अंधे की सब्जी डेली क्या ही खानी, आलू मटर गोभी आलू मटर गोभी। हाँ तो आज शाम को अब चाह तो बननी नहीं, अब मुझे पैक करके ये ऑफिस में खाने पड़ेंगे, तो मैं पैक करके ले जाऊंगी ऑफिस में खाऊंगी। और शाम के लिए मैंने भिगो दिए ब्लैक चने बनेंगे आज शाम को, और क्या लग गया मुझे बचा रहे हो तो उन्होंने भी किस्मत फुट रही। ये मैंने पैक कर लिए ऑफिस के लिए, एक मैं आंटी को दूंगी, सफाई वाले आंटी आते वहाँ पे एक बेचारे बड़े अच्छे लगते मेरे को। ये मैंने पैक कर लिया अपना लंच, दिस इज रोटी। रात को क्योंकि हम लेट गए थे मार्केट से फ्रूट्स मिले नहीं, उसके पास थे सब्जी वड़वा हो गए। अब जो जिनसे हम डेली सब्जी लेते हैं वो गए हुए घर, प्रॉब्लम हो जाती नहीं तो मैं उनसे ही आते आते, क्योंकि वो रास्ते में पड़ते हैं तो मैं आते आते ले आते हूँ उनसे। पर आजकल वो काफ़ी टाइम से आई थिंक पता नहीं कानपुर से है कहाँ से है, तो वो आ नहीं रहे हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो फ्रूट्स लूँगी अब मैं रास्ते में, देखती हूँ मिलता है कुछ। चलिए गेट शिट रेडी गो गो विद फ्लो। अभी मेरी कैब आ रही है 2 मिनट में, तो अभी तक मैं सोचा भाई कुछ गप मार लें थी, मैं गलती ने फेसबुक खोल ली, फेसबुक का पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि एक बड़े मतलब हमारी दादी की उम्र की बेचारे, उनको पता नहीं शायद उनकी बहू ने मारा होगा, तो उसके लिए इंक्वायरी बिठाई जा रही थी। तो वो बोल रहे थे कि मेरे 4 बेटे थे और 4ों की डेथ हो गई, अब जो मेरी बहुएँ हैं मतलब वो 3 अच्छी हैं, एक शायद उनको मारती है। तो मेरा बोलने का मतलब भाई पता नहीं क्या कर लेंगे लोग है ना, बोलते आ तो बोलते भी न्याणा कने स्याणा एक ही हुंदा, मतलब बच्चे और बुढ़े अगर वो आपको कुछ बोल भी रहे तो आप इग्नोर कर सकते हो ना, क्योंकि क्या है ना कि उनकी जो समझने की पावर है वो अभी इतनी नहीं है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने साथ रह रहे लोगों की रिस्पेक्ट करो, अपने लोगों की रिस्पेक्ट करो। हाँ अगर वो आपके मदर इन लॉ भी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मदर इन लॉ होने से पहले एक इंसान है वो, तो एक इंसान को इस तरह से मारना और बड़े बड़े पूरे तरीके मारा कर देती से। सो ये बोलना चाहती हूँ कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, प्यार करो, सबके साथ अच्छे से रहो। मिलती हूँ अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, खुश रहिए।